इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर निर्माणाधीन डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी दी। बहुत तेजी से पानी बाहर निकल रहा है, जिसके कारण बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 85 वर्षीय अब्दुल्ला घर पर सेल्फ आइसोलेशन में है। इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सुबह 6:45 पर अंतिम सांस ली। वे 62 साल के थे। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उदयपुर के समीप करणपुर गांव के पास कल शाम को नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। अजमेर के देवलिया कला गांव में 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान एक दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियारों और लाठियों से वार किया। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बारा के किशनगंज कस्बे के पास बजरंगगढ़ रोड पर ट्रोले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शनिवार शाम 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.92 मीटर था। ऐसे में गंभीर हालात को देखते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। ओडिशा में हीराकुंड बांध के 34 गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का पानी संबलपुर के कई निचले इलाकों में घुस गया, जिसके बाद निचले इलाकों से 1,000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,092 नए मामले सामने आए। अभी देश में सक्रिय मामले 116,861 हैं। मिस्र के काहिरा में अबू इम्बाबा चर्च में आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। आग इम्बाबा की घनी आबादी वाले इलाके में बनी अबू सेफिन चर्च में लगी। मैं हर दिन हर एक बहन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया है। ड्रोन हमले की जानकारी मिलने के बाद लाल किले की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की हवा देशभक्ति से भरी है। दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। भारत को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दो राष्ट्र के सिद्धांत को सावरकर ने प्रस्तावित किया, उसका समर्थन जिन्ना ने किया। विभाजनकारी तो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि हम अलग अलग दिख सकते हैं, हम अलग अलग चीजें खा सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में एकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। बिस्वा ने कहा कि हमने अहिंसा को अपने जीवन का मंत्र बनाने का संकल्प लिया है। रविवार को 347 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह के नेतृत्व में
सभी जवानों को पदक दिए गए। दिल्ली पुलिस ने पालम इलाके से दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से कई पासपोर्ट और बांग्लादेश के मंत्रालयों के 10 नकली स्टाम्प बरामद किए। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से पाक ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। कनाडा स्थित अरशद डल्ला और ऑस्ट्रेलिया स्थित गुरजंत सिंह से जुड़े 4 मॉड्यूल सदस्य गिरफ्तार हुए। अवैध हथियार भी इनके पास से जब्त किए गए। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया गया। जालौर के सुराणा में स्कूल संचालक की पिटाई से दलित छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला ने भी किया नमन। जालौर मासूम इंद्र मेघवाल मौत मामले ने पकड़ा तूल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राज्य मानवाधिकार आयोग ने कलेक्टर और SP से मांगी रिपोर्ट। डोटासरा पायलट और किरोड़ी भी करेंगे पीड़ित परिवार से मुलाकात। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में घायल युवक की हुई मौत। चोर समझकर 20 से 25 लोगों ने की पिटाई। आक्रोशित लोगों ने गोविंदगढ़ थाने का किया घेराव। उदयपुर में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत। कठार नदी किनारे मिले दोनों के शव। खेलते समय हुआ हादसा। प्रदेश के 24 जिलों में गहराया लंपी बीमारी का संकट। डिजीज के मामले में बढ़कर हुए 4,25,000। अब तक 18,000 से ज्यादा पशुओं की मौत। प्रदेश के कई जिलों में भारी बरसात की संभावना। 7 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी। 12 में तेज बहाव में बहा बाइक सवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। खबर 12 से है, जहां पानी के तेज बहाव में नदी पार करते समय एक युवक बाइक सहित बह गया। दरअसल युवक जान जोखिम में डालकर एक बाइक सवार पुलिया पार कर रहा था। इस दौरान युवक बाइक सहित पानी के साथ तेज बहाव में बह गया। नदी के पास खड़े लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार युवक को नदी से बाइक समेत बाहर निकाला। ये तस्वीरें जहां पर सड़क के ऊपर से या पुलिया के ऊपर से पानी की चादर चल रही थी और ये उस समय पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी के बहाव के साथ बाइक के साथ ये भी पानी में नीचे आ गया। हालांकि लोगों की नज़र पड़ी, लोगों ने मदद करके आपस में एकजुट होकर इसे बाइक के साथ बाहर निकाला। सिरोही में बरसात का दौर जारी है। माउंट आबू में 120 मिलीमीटर, शिवगंज में 70 mm, आबू रोड पिंडवाड़ा में 64 मिलीमीटर, सिरोही में 52 मिलीमीटर, रेवदर में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रात भर हुई बरसात से 3 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पिंडवाड़ा का भुला बांध, वास, शिवगंज का गोडाना बांध ओवरफ्लो इस समय चल रहा है।
बारा में बीते दो दिनों से बरसात का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान में छाए बादल रहकर बरस रहे हैं। तेज बरसात के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। बरसात के चलते शहर के मुख्य बाजार, प्रताप चौक, स्टेशन रोड, नगर परिषद दफ्तर, धर्मशाला में भी जलजमाव हो गया है। वहीं जिले में तेज बरसात से नदी नालों में भी पानी की भरपूर आवक है। इसके चलते कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया है। और ये तस्वीरें बारा की, जहां पर लगातार बरसात हो रही है। पूरा शहर जैसे मानो तालाब में तब्दील हो चुका है। सभी गाड़ियां पानी से होकर गुजर रही हैं। नदी नाले पूरे उफान पर हैं और अभी भी बरसात की संभावना लगातार बनी हुई है। तापमान में भी यहां पर गिरावट आई है। प्रदेश में मौसम विभाग का अलर्ट, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी बरसात के आसार हैं। 7 जिलों में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट, 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। अजमेर, राजसमंद, सिरोही, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, बाड़मेर, उदयपुर, टोंक, सीकर, कोटा, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, बूंदी, भीलवाड़ा में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और ये खबर उदयपुर से है, जहां भूताला गांव में देर रात लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव में अचानक रिहायशी बस्ती के पास एक मगरमच्छ आ धमका। लोगों ने जब सड़क के बीच में मगरमच्छ को चलते देखा तो यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। बाद में इसकी सूचना उदयपुर की रेस्क्यू टीम को दी गई। रेस्क्यू टीम उदयपुर में पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर दोबारा तालाब में छोड़ दिया। अनुमान लगाया जा रहा है कि भूताला के तालाब से ये मगरमच्छ गांव में आया है। और जालौर, इंद्र मेघवाल मौत मामले में अपडेट। कांग्रेस विधायक रूपारा मेघवाल सुराणा पहुंचे। महिला आयोग के सदस्य अंजना मेघवाल भी सुराणा पहुंची। पीड़ित परिवार को मिलकर ढाढ़स बताया गया। आज सुराणा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जाएंगे। पायलट किरोड़ी भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। जालौर में छात्र मौत मामले में आज तमाम बड़े चेहरे मिलने के लिए पहुंचने वाले हैं। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। इसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल है और इसके अलावा सचिन पायलट भी आज यहां पर पहुंच सकते हैं। किरोड़ी लाल भी इस परिवार से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। सुराणा गांव में एक प्राइवेट स्कूल के अध्यापक छेल सिंह ने एक छोटे बच्चे की, जो नाबालिग है, उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। और ये सरकार संवेदनहीन है, यानी अनुसूचित जाति के लोगों की तो दुश्मन बनी हुई है,
या अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं तो ये उन बलात्कार के साथ खड़ी हो जाती है। बल्कि ये कहती है कि मोदी जी ने एक कानून बना दिया है जो छोटी बालिकाओं के साथ जो रेप होता है उस पर फांसी सजा है, ये ठीक नहीं है। यानी बलात्कार के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब खड़े हो गए। राजस्थान के जालौर जिले के सैला थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंद्र कुमार मेघवाल को एक निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा छेल सिंह द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मैं मुख्यमंत्री महोदय से मांग करती हूं कि आप सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उस परिवार को और इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दे और राजस्थान में कड़ा कानून बनाए, 50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाए और इस परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, वरना हम आंदोलनरत हैं। लेकिन 75 साल की आजादी का जश्न मना रहे हम और 75 साल के बाद भी हमारे समाज की जो संकीर्ण विचारधारा है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने की अपेक्षा उन कुरीतियों को संबल देना चाहते हैं। एक मटके का पानी पीने से या घोड़ी पे चढ़ने से या कि मूछ रखने से किसी समाज का मान सम्मान कम नहीं होता है, लेकिन ओची मानसिकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों का अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए मेरे मन में टीस आई है कि इस प्रकार के अत्याचारों को सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए जन क्रांति लाने के लिए मुझे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज मैं मेरे विधायक पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और मैं एक जन क्रांति पूरे राजस्थान में लाना चाहूँगा ताकि दलित समाज के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनका जो दमन हो रहा है, उनका रक्षा कर सके। और जालौर इंद्र मेघवाल मौत मामले में अपडेट, विधायक गोलमा देवी सुराना गांव पहुंची है, परिजनों से मुलाकात कर रही है। गोलमा देवी का आरोप, सांसद किरोड़ीलाल मीणा को रास्ते में रोका गया, किरोड़ीलाल मीणा को यहां आने नहीं दिया जा रहा है, यह कहना है गोलमा देवी का। परिवर्तन है ना, परिवर्तन। गोलमा देवी पहुंची है। मीणा को बीच रास्ते में रोक लिया गया, उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा, उन्हें यहां पर आने से रोक दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जालौर संवाददाता श्याम के साथ। श्याम, गोलमा देवी खुद पहुंच चुकी हैं लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को बीच में रोक लिया गया, कहां रोका गया है और क्या कहना है प्रशासन का, क्यों नहीं आने दे रहे? देखिए आसिफ, निश्चित तौर जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम चला है उसको लेकर गोलमा देवी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि किरोड़ीलाल मीणा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उन्हें रोक दिया गया रास्ते में, जालौर आने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया, वो खुद यहाँ आना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि पुलिस यहाँ नहीं दी जा रही क्योंकि पीड़ित परिवार के साथ वो मिलने के लिए यहाँ निकले थे, उनका कार्यक्रम था लेकिन उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया। गोलमा देवी यहाँ पहुंच चुकी है, परिजनों से जो है मुलाकात कर रही है, उन्हें जो पूरी घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी ले रही है और उनके अलावा जो सहायता राशि है उसको लेकर भी तमाम प्रकार के जो है चर्चाएं चल रही। निश्चित तौर से जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम आसिफ चल रहा है उन घटनाओं को लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो बड़े बड़े दिग्गज है वो आज जालौर पहुंच रहे हैं, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बात करें, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटा, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बात करें, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पहुंच रहे हैं, तमाम दिग्गजों के यहाँ दिन भर आने का कार्यक्रम है और इसको लेकर तमाम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। यानी कि आसिफ जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चला है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग है वो ले लिया गया है, जो जिस तरीके से इंद्र मेघवाल जो मासूम था उसकी मौत के मामले को लेकर पूरी जो तरीके से गोलमा देवी है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, पीड़ित परिवार से मुलाकात करी है और पीड़ित परिवार से मुलाकात के शाम शाम आपकी आवाज़ साफ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। श्याम बिश्नोई जालौर से जानकारी दे रहे थे। गोलमा देवी यहां पर पहुंची हैं और उनका साफ तौर पर यहां पर कहना है उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और साथ ही साथ बताया कि किरोड़ीलाल मीणा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, प्रशासन ने उनके यहाँ पहुँचने पर रोक लगा दी है।
और जयपुर में पानी की टंकी पर चार दलित नेता चढ़ गए हैं। विधानसभा के पास टंकी पर चढ़े, जालोर प्रकरण को लेकर टंकी पर चढ़े, टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांगे नहीं मानने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी जा रही है। और ये वो तस्वीरें विधानसभा के पास जो टंकी है इस पर ये चार दलित नेता चढ़े हैं। इनका साफ तौर पर विरोध प्रदर्शन है सरकार के खिलाफ। जालोर प्रकरण को लेकर ये तस्वीरें, टंकी पर चढ़कर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जालोर प्रकरण को लेकर के, इंद्र कुमार की हत्या के प्रकरण को लेकर के जयपुर में विधानसभा के सामने चाणक्य एकेडमी के पास एक पानी की टंकी है जिस पर हम सारे या चारों क्रांतिकारी चढ़ चुके हैं और हमारी शासन और प्रशासन से ये मांग है कि जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है जातिवाद के नाम पर, हमारे सीएम साहब जिस तरह से इंद्र कुमार की घटना को हल्के में लेकर के 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया, उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार में 2 सरकारी नौकरी दी जाए और ये जातिवाद जाति भेदभाव पूर्ण तरह इस पर पाबंदी लगे। जो भी साथी इस लाइव वीडियो को देख रहा है उन साथियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ये चाणक्य एक कोचिंग संस्थान है यहाँ पे विधानसभा के पास में, विधानसभा के नजदीक है आइस गोदाम वाली रोड पे। साथियों यहाँ पे एक पानी की टंकी है। मैं भाई पाकचंद बेरेड़ जी, भाई लक्ष्मीकांत कैमरी जी, भाई हमारे बनवारी लाल साता जी, हम सभी साथी रात के 2:30-3 बजे से हम लोग टंकी पे चढ़े हुए हैं। आज जान हथेली पे लेकर के भगत सिंह की राह पे हमने एक कदम अपना बढ़ाया है और हमारी सरकार से, प्रशासन से हमारी मांग है कि जालौर के अंदर जो 3rd क्लास के छात्र की बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, हम उसके परिवार को न्याय दिलाना चाहते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या जानकारी इन 3 दलित नेताओं के बारे में, क्या इनकी मांगे हैं और क्या इनसे बात करने के लिए कोई प्रशासन की तरफ से नुमाइंदा यहां पर पहुंचा है? देखिए मौके पर फिलहाल सिविल डिफेंस की टीमें, ज्योतिनगर थाना पुलिस और जो अन्य जो अधिकारी है वो उस वक्त फिलहाल मौके पर है और नीचे की तरफ जो है पानी की टंकी के नीचे की तरफ जाल लगा देंगे ताकि किसी भी तरह की संभावित कोई माना कोई घटना होती, दुर्घटना होती, उसको रोका जा सके। तो फिलहाल तीनों युवकों ने अपना नाम भी बता दिया कि एक नाम लक्ष्मीकांत है और राजकुमार जो बनवारी वगैरह नाम बताए जा रहे हैं। इनका कहना है कि रात को करीब 2:30 से 3 बजे ये लोग इंद्र कुमार जो कि बच्चा जिसकी डेथ हुई थी जालोर में, उस वाले मामले में ये लोग चढ़ गए और इनकी मांग है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिजनों को दिया जाए, 2 सरकारी नौकरी यानी 2 परिजनों को सरकारी नौकरी राज्य सरकार दे तभी वे टंकी से नीचे उतरेंगे, और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर के 2 परिवारजनों को और 50 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा, इन 2 मांगों को लेकर के ये लोग इस फिलहाल टंकी पे चढ़े हुए हैं। 22 गोदाम के पास जो कि ज्योतिनगर इलाके में आती है वहां पर टंकी पे है, रात को 2:30 बजे चढ़ गए थे और मांग सरकारी 2 लोगों नौकरी और 50 लाख रुपए की मांग की जानकारी है जी। विष्णु, तीनों को जो है वो दलित नेता बताया जा रहा है, क्या इनके बारे में जानकारी, कहां से संबंध रखते हैं ये और कब ये यहां पर चढ़े हैं? देखिए अभी तक ये लोग कहां से हैं ये इनकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन अब तक की जो प्रारंभिक पड़ताल में ये सामने आया कि रात को करीब 2:30 से 3 बजे ये लोग यहाँ 22 गोदाम रोड पर पहुंचे और वहीं पर रात को 2:30-3 बजे ये लोग टंकी पे चढ़ गए, लेकिन जब सुबह वीडियो वायरल हुआ, जब इन्होंने खुद में ही अपने वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया, जिसके बाद सूचना मिलने पर ज्योतिनगर पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद सिविल डिफेंस की टीमों को भी मौके पर बुला लिया गया, जाल वहां लगा दिए गए। तो फिलहाल तीनों युवकों ने अपने नाम भी बताए और अपना इरादा भी बताया, इरादा वही है कि मृतक जो छात्र है इंद्र, उसके 2 परिजनों को सरकारी नौकरी दीजिए। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने जो 5 लाख रुपए का जो आर्थिक मुआवजा दिया है वो उसे संतुष्ट नहीं है, इस मुआवजा राशि को बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिया जाए तभी वे नीचे उतरेंगे। उसके अलावा इनका कहना है कि यदि जबरन इनको प्रशासन ने नीचे उतारने की कोशिश की तो एक क्रांति, बड़ी क्रांति करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और अपनी जान को भी जोखिम में डालने का काम कर सकते हैं, तो लिहाजा वहां पर इसीलिए जाल भी लगा दिए गए हैं जी।
यानी विष्णु, ये कहा जा सकता है इन तीनों के बारे में कोई जानकारी फिलहाल जो है प्रशासन के पास ना पुलिस के पास? देखिए बिल्कुल अभी तक जानकारी इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं है, जो कि वीडियो इन्होंने खुद ने जारी किया है और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया है उसी आधार पर इनके नाम आइडेंटिफाई हो सके हैं। इन्होंने कहा कि खुद को क्रांतिकारी बता रहे हैं, खुद को भगत सिंह के चरण जो कदमों पे हैं उनके उसको चलने की बात वो कह रहे हैं, राह पे चलने की बात करें, आंदोलन की बात करें, क्रांति करने की बात वो लोग कह रहे हैं। तो फिलहाल उनसे पुलिस बातचीत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो तीनों युवक हैं वो फिलहाल टंकी से नीचे उतरने की के लिए साफ इनकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि प्रशासन ने यदि दबाव बनाया तो फिर बड़ा आंदोलन वे लोग करेंगे। जी विष्णु नजर आ रहा है, हालांकि इन्होंने खुद ही वीडियो बना के सर्कुलेट किया है, लेकिन इस वीडियो में ये साफ नहीं हो पा रहा, चूंकि ये दलित नेता बताए जा रहे हैं। जालौर वाले मामले के अंदर जो छात्र की मौत हुई है उसके हितों की ये जो है वो मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी स्पीकर के जरिए या इन्होंने अपने फोन नंबर वहां पर नीचे दिए हों प्रशासन को या पुलिस, जैसा कि आपने बताया कि वहां रेस्क्यू टीम भी मौजूद है, तो क्या इनकी टेलीफोनिक बातचीत हो रही है आपस में? देखिए टेलीफोनिक बातचीत शायद अभी तक पुलिस की नहीं हो पाई, जब अभी कुछ देर पहले हमने पुलिस के अफसरों से बातचीत की थी, उनका कहना है कि अभी तक हमारे से उनकी बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन हमारा प्रयास है, चूंकि पुलिस जो है अपने साथ अनाउंसमेंट के जो सिस्टम जो होते हैं माइक सिस्टम जो है वो लेकर के भी गई है। ठीक है विष्णु, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए धन्यवाद। इसी टंकी के नीचे से हमारे साथी राकेश शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, सबसे पहले तस्वीरें देखना चाहेंगे और फिर ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रशासन के साथ इनकी बातचीत शुरू हो चुकी है, इनके फोन नंबर जो है रेस्क्यू टीम के पास में पहुंच चुके हैं, क्योंकि तस्वीरों में देख रहे हैं हम जाल यहां पर बिछाए जा रहे हैं, विधानसभा के पास में ये टंकी है, मामला संवेदनशील है। राकेश, बिल्कुल आसिफ, देखिए इस वक्त हम जो ये पानी की टंकी है ये पीएचईडी का एडिशनल चीफ इंजीनियर का कार्यालय है, जयपुर फर्स्ट का कार्यालय, वहां पर ये पानी की टंकी बनी हुई है। इसके ऊपर जो युवक चढ़े हैं वो हम सामने तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये भीम सेना से जुड़े हुए, जैसा इन्होंने एक वीडियो वायरल किया है उसमें, और जो जिस तरीके से जालौर में एक छात्र की मौत हुई है उस मौत को लेकर के इनमें आक्रोश है, इन्होंने कुछ मांगे यहाँ पर रखी हैं, और इनके साथ ही जो इनके सहयोगी हैं वो भी कुछ दूसरे जो है वो यहाँ नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो तमाम एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस है और फायर ब्रिगेड की टीम पहुँच गई है, चूंकि टंकी से गिरकर कोई हादसा ना हो या इस तरह की कोई घटना ना घटे, इसलिए बकायदा यहाँ पर हम सीधी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर नेट लगा दिया है और इस नेट टंकी के चारों तरफ ही नेट लगाने की कोशिश की जा रही है। ये जिस तरीके से यहाँ बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं, जो जिला प्रशासन और जो दूसरी टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। काफ़ी ऊंचाई है ये टंकी की, टंकी काफ़ी बड़ी भी है और इस टंकी के चारों तरफ सुरक्षा के लिए तार लगाए गए हैं। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं, जलदाय विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं, एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ पर पहुंची हैं, और जो हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सोहेल राजा जी किस तरह की ये घटना, कब सूचना मिली, क्या लोगों की मांगे, क्या कह रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि इनके मुआवजा मिलना चाहिए जालौर वाली घटना के लिए, उसके लिए इनसे बातचीत कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है, सरकार के नॉलेज में है और संवेदनशीलता से इनकी बात आगे पहुंचाई जा रही है। ये कौन लोग हैं राकेश, इनका परिचय क्या है, इनसे पूछे इनका परिचय क्या है, कौन लोग हैं, किस पार्टी से संबंध रखते हैं? चल रही है इनसे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे वार्ता चल रही है। उच्च अधिकारियों इनकी पहचान हो पाई, परिचय क्या है, किस तरह के लोग हैं, कौन हैं, किस तरीके से? भीम आर्मी से संपर्क है इनका, भीम आर्मी के लोग। कहाँ के रहने वाले हैं सर? अभी फिलहाल पता ले रहे हैं इनका। बिल्कुल आसिफ, यहाँ पर अभी भी जो ये भीम आर्मी से अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन हम जो भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि जो ये पूरा मसला है क्या है, किस तरीके से, क्या इनकी डिमांड है और किस तरीके से यहाँ पर ये अपनी मांगों को लेकर के आगे चल रहे हैं। तो यहाँ भीम आर्मी के जो लोग हैं हम दिखाना चाहेंगे, भीम आर्मी के पदाधिकारी भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और यहाँ पर बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। भीम आर्मी से जुड़े हुए, आपका नाम परिचय बताएंगे एक बार आप? मेरा नाम धर्मेंद्र आंचरा है, मैं ओबीसी से हूँ और हम इनके समर्थन में आए हैं। क्या मांग है, कौन है ये लोग, किस तरह की मांग कर रहे हैं? ये रवि कुमार मेघवाल है, भीम सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं, दूसरे हैं लक्ष्मीकांत कैमरी,
जो एसटी वृक्ष हैं आते हैं, तीसरे बनवारी लाल साता मीना जो एसटी वृक्ष हैं आते हैं, और चौथे हैं भागचंद बरेव। क्यों चढ़े हैं टंकी पर, क्या मांगे इनकी, क्या परेशानी इनकी? सबसे बड़ी जो इनका दर्द है वो ये है कि एक जो बंदा हमारा जो है जाति आतंकवाद का शिकार हुआ है, उसी को जहाँ यहाँ राजस्थान सरकार की तरफ से जो घोषणा की गई है 5 लाख की, वो ये कह रहे हैं कि थोड़े ही दिन पहले एक सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ था जो बंदा यहाँ उदयपुर में, उसको 50 लाख और दो लोगों को नौकरी, परिवार के लोगों को, और हमें सिर्फ 5 लाख और एक नौकरी की बात। आखिर ये कब तक, पहली बात तो ये जातीय हिंसाएं होती क्यों है, आखिर कब तक हम इन जातीय हिंसाओं के शिकार होते रहेंगे, ये कब जाकर के रुकेगी? तो ये लोग जो है, क्या इनसे वार्ता हो पा रही है और किस तरह की, क्या कह रहे हैं ये? अभी तक वार्ता का विशेष ऊपर कोई आया नहीं है, डेलीगेट्स गया नहीं है अभी तक, डेलीगेट्स यही है, यदि आता है मुख्यमंत्री की तरफ से तो जाएंगे सारे लोग। बिल्कुल आसिफ, देखिए सिविल डिफेंस की टीमें भी हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और जी राकेश, नजर बनाइए, बनाए रखिएगा, समय समय पर इस घटना को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे। मंत्रिमंडल में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के आवंटन की घोषणा कर दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, वित्त और योजना, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभ क्षेत्र, विकास, आवास, ऊर्जा का विभाग रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में किसके हाथ कौन सा मंत्रालय आएगा, इसे लेकर अब तेजस्वी यादव के साथ सहमति बन चुकी है। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर निर्माणाधीन डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी दी। बहुत तेजी से पानी बाहर निकल रहा है, जिसके कारण बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 85 वर्षीय अब्दुल्ला घर पर सेल्फ आइसोलेशन में हैं। इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सुबह 6:45 पर अंतिम सांस ली। वे 62 साल के थे। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उदयपुर के समीप करणपुर गांव के पास कल शाम को नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। अजमेर के देवलिया कला गांव में 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान एक दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियारों और लाठियों से वार किया। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बारा के किशनगंज कस्बे के पास बजरंगगढ़ रोड पर ट्रोले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शनिवार शाम 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.92 मीटर था। ऐसे में गंभीर हालात को देखते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। ओडिशा में हीराकुंड बांध के 34 गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का पानी संबलपुर के कई निचले इलाकों में घुस गया, जिसके बाद निचले इलाकों से 1000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,092 नए मामले सामने आए। अभी देश में सक्रिय मामले 116,861 हैं। दुर्लभ जड़ी बूटी। मिस्र के काहिरा में अबू इम्बाबा चर्च में आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। आग इम्बाबा की घनी आबादी वाले इलाके में बनी अबू सेफिन चर्च में लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अगस्त के दिन को
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया है। ड्रोन हमले की जानकारी मिलने के बाद लाल किले की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की हवा देशभक्ति से भरी है। दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है। भारत को नंबर वन बनाने का संकल्प लेना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दो राष्ट्र के सिद्धांत को सावरकर ने प्रस्तावित किया, उसका समर्थन जिन्ना ने किया। विभाजनकारी तो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि हम अलग अलग दिख सकते हैं, हम अलग अलग चीजें खा सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में एकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। बिस्वा ने कहा कि हमने अहिंसा को अपने जीवन का मंत्र बनाने का संकल्प लिया है। रविवार अगस्त 1947 के दिन लंबे अरसे तक चले अभूतपूर्व स्वतंत्रता आंदोलन से एक नया देश दुनिया के मानचित्र पर उभरा। 75 साल बाद हम आपको ले चलेंगे स्वतंत्र भारत के अनोखे सफर पर और बताएंगे इस महान देश की कहानी सभी पीएम्स की जुबानी। लाल किले से गूंज, नेहरू से मोदी तक। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज है। दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर दिल्ली स्थित अटल सदैव समाधि स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव दिल का दौरा पड़ने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। कॉमेडियन की तबीयत को लेकर ताजा अपडेट सामने आया जिसके अनुसार उनकी सेहत में सुधार। फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। फीफा ने अक्टूबर में भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भी छीन ली। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 8,813 मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार 15,040 लोग ठीक हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। जालौर के सुराना गांव में टीचर की पिटाई से बच्चे की मौत के मामले में कोटा में भी सियासत जारी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने वीडियो बयान जारी कर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। दिया कुमारी ने कहा कि देश में सिर्फ 1.5 साल की सरकार और है, फिर हमारी सरकार होगी। जालौर में स्कूली छात्र की मौत के मामले में दौसा में जगह जगह कैंडल मार्च निकाला गया और मृतक छात्र को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान लोगों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।
पाली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पाली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना मकरानी को फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया है। चूरू के रतनगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बच्चों और महिलाओं सहित 22 लोग घायल हो गए। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में डेयरी व्यापारी से घी लूटने का मामला सामने आया। डेयरी की दुकान पर आए एक युवक ने जेब से गन निकाली और घी से भरी थैली अपने बैग में रखकर वहां से फरार हो गया। उदयपुर के भूताला गांव में देर रात लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। गांव में अचानक रिहायशी बस्ती के पास एक मगरमच्छ सामने आ गया, जिससे लोगों में दहशत देखी गई। भारतीय वायुसेना के जवानों ने सोमवार शाम को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की उझ नदी में बाढ़ में फंसे दो लोगों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि जानवर बाढ़ के पानी में बह गए। उड़ीसा के 11 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए। पुराने कटक संबलपुर मार्ग पर आठागढ़ के घंटी खाल में एक कार बाढ़ में बह गई। सूचना मिलते दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कार में मौजूद चारों लोगों को बचा लिया। बारा जिले में हो रही झमाझम बरसात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। भारी बरसात के चलते समरानिया क्षेत्र में पानी के तेज बहाव के चलते एक युवक बाइक सहित पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। दौसा जिले में बीती रात बरसात के साथ अंधड़ आया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ गिर गए। वहीं शहरी क्षेत्रों में टिन शेड और होर्डिंग गिरे हुए मिले। अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाना इलाके में लाल डिग्गी तालाब में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। उदयपुर की कठार नदी में दो चचेरे भाइयों की नदी में डूबने से मौत हो गई, इससे पूरे इलाके में हड़कंप है। राजधानी जयपुर में देर रात एक युवक का रेलवे स्टेशन पर लहूलुहान हालत में शव मिला, जिससे इलाके में दहशत देखी गई। बारा शहर में बीते दो दिनों से बरसात का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान में छाए बादल रह रहकर बरस रहे हैं। तेज बरसात के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। गंगानगर में इस मॉनसून के सीजन में हुई रिकॉर्ड बरसात के बाद गंगानगर की सड़कें बदहाल है। जलभराव होने और सीवरेज लाइन डालने की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगानगर के गांव ताखरावाली में एक स्कूल में ग्रामीणों ने ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने स्कूल के प्रधानाध्यापक पर अभद्र व्यवहार करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए। चूरू के सादुलपुर के लंबोर बड़ी गांव में एक स्कूल के मुख्य गेट पर अध्यापकों के तबादले की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। जयपुर में 20वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण किए गए। राजस्थान राइफल संघ की ओर से जगतपुरा शूटिंग रेंज पर आयोजित समारोह में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। और भीलवाड़ा में बुजुर्ग महिला का शव घर में मिला है। घायल अवस्था में बेहोश पति भी मिला है। पति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। तो भीलवाड़ा में ये बुजुर्ग महिला का शव मिला है और साथ ही साथ इसका पति भी बेहोश मिला। फिलहाल पति हॉस्पिटल में है। राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राहुल, क्या वजह सामने आई इस घटना के पीछे? जी, ये अभी सुबह की घटना है, हमीरगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। महिला का उसके घर में उसके बाथरूम के अंदर ये शव मिला है और वहीं उसका पति गंभीर रूप से घायल था, जो कि बेहोश अवस्था में था। उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हमीरगढ़ थाना पुलिस और SHO पुष्पा कसोटिया मौके पर पहुंच चुके हैं, पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। और वहीं पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल फैल चुका है। घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और पुलिस पूरे इस मामले की जांच में जुट चुकी है। और वहीं जब वृद्ध होश में आएगा तो उससे भी पूछताछ की जाएगी और तभी पता चलेगा कि क्या कारण रहे, किस प्रकार ये घटनाक्रम हुआ या फिर ये क्यों हुआ। राहुल, आस पड़ोस के लोगों ने जानकारी दी कि क्या वहां पर हुआ था?
जी आस पड़ोस के लोगों से बात करने की पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू कर दी है और सूत्रों से पता चला कि आसपास के लोगों को भी घटना का भी जिस जो घटना हुई उस प्रकार की उसको उनको पूरी जानकारी नहीं थी। हाँ, पर आसपास के लोगों में दहशत जरूर फैल गई है। जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, जो लाश सुबह सुबह मिली है, उसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है, भय का माहौल है। राहुल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में युवक की हत्या की खबर। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर लहूलुहान हालत में शव मिला है। बुकिंग काउंटर के पास ही युवक का शव मिला। शिप्रापथ और जीआरपी थाना पुलिस मौके पर बुलाई गई है, साथ ही साथ एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की एक घटना है जहां पर एक व्यक्ति का, एक युवक का शव मिला है लहूलुहान अवस्था में। फिलहाल जीआरपी भी वहां पर मौजूद है, शिप्रापथ थाना पुलिस को भी वहां पर बुलाया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश की आखिर इसके साथ टिकट काउंटर पर हुआ क्या था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, कोई जानकारी मिल पाई कि बुकिंग काउंटर के पास एक शख्स का लहूलुहान हालत में शव मिलता है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, उनसे कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर ये इस शख्स की यहां पर मौत कैसे हुई? देखिए, जो पूरा मामला है, सुबह के बाद जब हत्या की खबर आई थी उसके बाद ही पूरा मामला थोड़ा सा डायवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस को हत्या के एंगल से भी देख रही है, लेकिन अब चूंकि सड़क हादसे का जो एंगल है उस पर भी पुलिस काम कर रही है। मृतक की शिनाख्त नागौर के निवासी भवरा राम के रूप में हुई है। और जब उसके मोबाइल नंबर से जांच की गई तो मालूम चला उसकी पत्नी से बातचीत हुई और पत्नी का कहना था पिछले डेढ़ से दो साल पहले से वह पत्नी से अलग रह रहा था। ऐसे में पुलिस जो है, अब जो लोकल जो परिजन है उनसे उनकी बातचीत हुई है। परिजनों के यहाँ आने के बाद ही पूरे मामले की और जानकारी होगी। फिलहाल अब तक की प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि जो रेलवे स्टेशन पे जो गार्ड था, सुरक्षा गार्ड था, उसका कहना है कि रात के करीब 4 बजे के आसपास ये युवक कटे हुए, जब इसका हाथ कटा हुआ था, वो लहूलुहान हालत में स्टेशन में भागता हुआ आता है और उसके बाद में सिर्फ वो केवल बुकिंग काउंटर के बाद वो गिर गया। उसने सिर्फ वहां पर केवल पानी ही मांगा, उससे अलावा कुछ बोल नहीं पाया। और उसके बाद जब तक गार्ड पानी लेकर के आता तब तक सिक्योरिटी गार्ड के पहुंचने से पहले युवक दम तोड़ चुका था। ऐसे में गार्ड ने जीआरपी थाना पुलिस को सूचना दी, उसके बाद जीआरपी और शिप्रापथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अब चूंकि पुलिस ने मामले को थोड़ा हादसे की दृष्टि से देखा है तो ऐसे में दुर्घटना थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि हर चीज की जांच साफ हो सके और मौत के सही कारण सामने आ सके। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर मॉब लिंचिंग मामला, आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर यह जाम लगाया। डीएसपी रामगढ़ कमल मीणा लोगों को धमकाते हुए नजर आए। डीएसपी से उलझे आक्रोशित परिजन और ग्रामीण लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रेम राजावत भी सड़क पर धरने पर बैठे हैं। तो अलवर में आक्रोशित लोगों ने यह जाम लगाया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस के साथ भी लोग उलझते हुए नजर आ रहे हैं। डीएसपी रामगढ़ कमल मीणा भी यहां पर लोगों के साथ उलझते हुए नजर आए। कमल, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर? जी, इस पूरे मामले को लेकर के अब आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और परिजनों ने अब तक इस बातचीत हुई है उसमें शव लेने से, जो शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है और अब बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए हैं। हिंदूवादी संगठनों के जो लोग हैं वो वहां मौके पर पहुंच गए हैं। अभी डीएसपी रामगढ़ कमल प्रसाद मीणा है, उससे बजरंग दल के जिला संयोजक हैं प्रेम सिंह राजावत, उनकी नोकझोंक हुई है। उन्होंने रोड जाम करने पर मुकदमा दर्ज करने की, गिरफ्तार करने की धमकी दी है। इस बात को लेकर के और आक्रोश हुआ है। फिलहाल गोविंदगढ़ रामगढ़ मार्ग और गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग, दो मार्ग पर जो गोविंदगढ़ को जोड़ने वाले हैं उन पर जाम लगा दिया है और बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है और
जो डीएसपी हैं उनसे लोग उलझते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस ने जिस दिन 14 अगस्त को ये घटनाक्रम हुआ था तब जो लोग पिटाई करने वाले लोग थे ट्रैक्टर को जब्त किया गया था, उन लोगों को थाने लाया गया तो क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर जिन लोगों ने पिटाई की थी वो पुलिस के साथ थाने आए थे तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। पुलिस की कहीं कहीं अब लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ रही है। इस बात को लेकर के लोगों में आक्रोश है कि आखिरकार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। इस बात को लेकर के अब पुलिस पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सादुलपुर के लंबोर बड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर ग्रामीण ने ताला लगाकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने प्रधानाध्यापक सुमित्रा कसवा से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के तबादले की मांग की। विद्यालय के छात्र भी धरने पर बैठे रहे और नारेबाजी कर आक्रोश जताया। तो गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन, स्कूल में तालेबंदी, छात्रों ने तालेबंदी कर विरोध जताया। को नहीं हटाया जाएगा हम धरना ही दे रखेंगे। इसी बीच में एक बात और निकल के आई है कि जिन टीचरों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है उनको भी हटा दिया जाए, ये भी हमारी मांग है। ग्राम पंचायत लंबोरबड़ी में समस्त ग्रामवासी धरने पर बैठे हैं। साहब, तालाबंदी कर दी गई है। 13 तारीख को हमने चेतावनी दे दी थी और आज फिर से हम धरने पर बैठे हैं। मेन प्रिंसिपल और उसके साथ स्टाफ आपस में इनकी बनती नहीं है। दुर्व्यवहार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ में गाली गलौज की बातें भी आ जाती हैं। जिन मतलब टीचरों का रिजल्ट खराब है उन टीचरों को भी साथ में यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अब हम स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जब तक प्रिंसिपल मैम का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम। और सीधा रुख करते हैं जयपुर बीजेपी ऑफिस की तरफ, जहाँ पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया इस समय संबोधित कर रहे हैं। देखिए, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बच्चे की और शिक्षक की पिटाई से ये जांच का विषय जरूर हो सकता है, लेकिन बच्चा चला गया दुनिया से तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। दूसरी बात है कि इसकी निरपेक्ष जांच होनी चाहिए। तीसरी बात है कि इसका कोई सामाजिक पहलू है तो उसके लिए सभी जिम्मेवार लोग ये इस बात के लिए प्रतिबद्ध हों कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन प्रश्न उठता है सरकार की कानून व्यवस्था का। जब सरकार का इकबाल खत्म होता है तो अपराध की घटनाएं होती हैं और राजस्थान में ये दुर्भाग्य है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं और एक के बाद अपराधों की जो फहरिस्त है, जिस तरीके से दलित समाज में उत्पीड़न की घटनाएं हुई, महिलाओं में लगातार अपराध बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो पहला प्रश्न कानून व्यवस्था का है, दूसरा प्रश्न समाज की समरसता का है और तीसरा प्रश्न उसकी निरपेक्ष जांच का है। एक और मामला हुआ है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से एक मॉब लिंचिंग हुई है जिसमें समुदाय विशेष के लोगों ने सब्जी बेचने गए दुकानदार को शक के आधार पर मार दिया, जयपुर में उसकी डेथ भी हो गई है। ऐसा ही मामला जालौर के पास आया, एक स्कूली बच्चे को समुदाय विशेष के 25 लोगों ने, अभी जोगेश्वर जी ने बताया कि उनके साथ मारपीट की, वो बच्चा भी अस्पताल में भर्ती है, ना बाम से आया ना कोई आया इस मामले पर। देखिए, पहला मसला वही कानून व्यवस्था का है कि प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं, ये सरकार के प्रशासनिक तंत्र की और सरकार की अपराधों को रोकने की प्रतिबद्धता की कमजोरी को प्रदर्शित करता है। दूसरा मसला तुष्टीकरण का है, क्योंकि
लंपी स्किन वायरल डिजीज का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इसी के तहत जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और लंपी स्किन वायरल डिजीज के मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। बीमारी को लेकर मेघवाल ने जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग को हर संभव कारगर कदम उठाने के निर्देश दिए। गंगानगर जिले में आज लंपी को लेकर हम सब लोग प्रभारी मंत्री, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला कलेक्टर सभी लोग जो है वीसी के माध्यम से सीएम साहब ने वीसी की और उसके अंदर मुख्य रूप से लंपी रोग पर चर्चा की गई। हमारी तरफ से लिखित में सुझाव दिया गया है मुख्यमंत्री जी को कि एक तो जो झोला छाप डॉक्टर है वो एक ही टीके को 5 पशुओं में काम ले रहा है, उस कारण से संक्रमण फैल रहा है। तो जिला प्रशासन की तरफ से जगह जगह प्रचारित भी किया जा रहा है और मैं भी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप प्राइवेट जो झोला छाप डॉक्टर है उनसे पशुओं के लिए टीके ना लगवाएं, क्योंकि वो एक ही टीके को 10 पशुओं में लगाता है, उससे संक्रमण फैल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को इस लंबी बीमारी को लेकर। मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर है, आज उन्होंने वीसी दी है और उन्होंने निर्देश दिया कि दवाई की किसी रूप में कमी नहीं आने दी जाएगी। 20वीं राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण किए गए। राजस्थान राइफल संघ की ओर से जगतपुरा शूटिंग रेंज पर आयोजित समारोह में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे। इन्होंने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर पुरस्कार प्रदान किए। राइफल पिस्टल और शॉटगन इवेंट की 20वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता दिनांक 21 अगस्त तक खेली जाएगी। वहीं प्रतियोगिता में स्टार खिलाड़ियों सहित राज्य भर से रिकॉर्ड खिलाड़ी इस बार प्रतियोगिता में शामिल हुए। स्थान के अंदर खेलों को लेके, खासतौर से शूटिंग को लेके एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब से ये शूटिंग रेंज बनी और जब से राजस्थान राइफल एसोसिएशन के अधिकारी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं इन्होंने इसको संभाला, यहाँ पर हर तरह की सुविधा, चाहे बाहर से विदेश से कोचेज हो, एमुनेशन हो, टारगेट्स हो, और ये आसान काम नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सरकार से किस तरह से मदद ली जा सकती है, अपने खुद के पैसे लगाए जा सकते हैं, सही सुझाव दिए जा सकते हैं, शूटर्स के लिए सुविधा चाहे सुबह हो, दोपहर हो, जिस समय इनको खेलना हो, ये एक बहुत बड़ा एक अंतर होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेइंग एरिनास ऐसे होते हैं जहां बड़ा रेड टेपिज्म होता है। मानसून के सीजन में हुई रिकॉर्ड बरसात के बाद गंगानगर की सड़कें बदहाल है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से न केवल आम लोग बल्कि वाहन चालकों को भी खासी परेशानी हो रही है। इधर स्थानीय प्रशासन ने क्षतिग्रस्त सड़कों पर रेता और गिट्टियां डलवा दी है, लेकिन इससे भी कोई राहत नहीं मिली। मुख्य बाजार स्वामी दयानंद मार्ग का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की मैन सड़क है और मैन सड़क पर आप ये देखिए क्या हाल है इस मैन सड़क का। ये स्वामी दयानंद सरस्वती मार्ग से जाने वाली सड़क है जो सीधी यहाँ से सदर बाज़ार की ओर निकलती है और इस सदर बाज़ार की मुख्य सड़क है जहाँ लोग हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर के व्यापारी तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं वो भी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और यहाँ के स्थानीय वासियों, व्यापारियों के साथ साथ वाहन चालकों को भी राहत दें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। We'll be right back.
को 347 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह के नेतृत्व में सभी जवानों को पदक दिए गए। दिल्ली पुलिस ने पालम इलाके से दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से कई पासपोर्ट और बांग्लादेश के मंत्रालयों के 10 नकली स्टाम्प बरामद किए। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से पाक आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। कनाडा स्थित अर्शद डल्ला और ऑस्ट्रेलिया स्थित गुरजंत सिंह से जुड़े 4 मॉड्यूल सदस्य गिरफ्तार हुए। अवैध हथियार भी इनके पास से जब्त किए गए। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया गया। जालौर के सुराणा में स्कूल संचालक की पिटाई से दलित छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के आवंटन की घोषणा कर दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, वित्त और योजना, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभ क्षेत्र, विकास, आवास, ऊर्जा का विभाग रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में किसके हाथ कौन सा मंत्रालय आएगा? मैं हर दिन हर एक बहन इसे लेकर अब तेजस्वी यादव के साथ सहमति बन चुकी है। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर निर्माणाधीन डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी दी। बहुत तेजी से पानी बाहर निकल रहा है, जिसके कारण बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 85 वर्षीय अब्दुल्ला घर पर सेल्फ आइसोलेशन में है। इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सुबह 6:45 पर अंतिम सांस ली। वे 62 साल के थे। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उदयपुर के समीप करणपुर गांव के पास कल शाम को नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। अजमेर के देवलिया कला गांव में 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान एक दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियारों और लाठियों से वार किया। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बारा के किशनगंज कस्बे के पास बजरंगगढ़ रोड पर ट्रोले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शनिवार शाम 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.92 मीटर था। ऐसे में गंभीर हालात को देखते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। ओडिशा में हीराकुंड बांध के 34 गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का पानी संबलपुर के कई निचले इलाकों में घुस गया, जिसके बाद निचले इलाकों से 1,000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,092 नए मामले सामने आए। अभी देश में सक्रिय मामले 116,861 हैं। मिस्र के काहिरा में अबू इम्बाबा चर्च में आग लगने से 41 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। आग इम्बाबा की घनी आबादी वाले इलाके में बनी अबू सेफिन चर्च में लगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। पूर्व
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला ने भी किया नमन। इंद्र मेघवाल मौत मामले ने पकड़ा तूल, गोलमा देवी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, किरोड़ी लाल को रोकने का लगाया आरोप, डोटासरा और पायलट भी करेंगे मुलाकात। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में घायल युवक की मौत, चोर समझकर 20 से 25 लोगों ने की थी पिटाई, आक्रोशित लोगों ने गोविंदगढ़ थाने का किया घेराव। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर लहूलुहान हालत में मिला युवक का शव, बुकिंग काउंटर के पास मिली लाश, एफएसएल की टीम जांच में जुटी। प्रदेश के 24 जिलों में गहराया लंपी बीमारी का संकट, डिजीज के मामले बढ़कर हुए 4,25,000, अब तक 18,000 से ज्यादा पशुओं की हो चुकी है मौत। और कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, 7 जिलों में ऑरेंज, 13 में येलो अलर्ट जारी, 12 में तेज बहाव में बहा बाइक सवार। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। आप अपने खिड़की से बाहर भी झांक कर देखेंगे या घरों से बाहर निकलें तो जानते हैं बारिश का मौसम है। प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब देखिए उन जिलों की भी बात कर लेते हैं जिन्हें खास तौर पर सावधानी बरतनी है उन जिलेवासियों को। 7 जिले हैं जिनके लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 13 जिले हैं जिनके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, नदी नाले वैसे ही उफान पर हैं। जिन जिलों में बरसात हो रही है, भारी बारिश हो रही है, वहां पर सड़कें किस तरह से दरिया बन चुकी हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर 13 जिले जिनमें येलो अलर्ट है और 7 जिले जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनके लिए स्थितियां थोड़ी और बिगड़ सकती हैं। अब आप इसके लिए सिस्टम को दोष दीजिए, नगर निगम के दावों की पोल खुलती देखिए, मन महसूस कर रह जाइए, लेकिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 4 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, आप देख पा रहे हैं कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बारा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, बारा में जो तस्वीर आप देख रहे हैं एक युवक नदी के बहाव से लड़कर पार करना चाहता था लेकिन सफल नहीं हुआ। बाइक पर वो सवार था, उसे लगा बाइक निकाल ले जाएगा, नहीं कर पाया। वो तो वहां लोग मौजूद थे जिनने उसकी जान बचा ली, नहीं तो ये खतरों का खिलाड़ी, इसके साथ कुछ भी हो सकता था। डूंगरपुर की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारी बारिश के बाद किस तरह की स्थिति है ये आप के सामने है। प्रतापगढ़ में भी भारी बरसात लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, नदी नाले उफान पर हैं, पुल के ऊपर पानी की चादर है और कोटा से भी कुछ इसी तरह की तस्वीर है। तो देखिए 12 की बात कर लें, तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, अब फुल स्क्रीन देखिए, पूरे टीवी स्क्रीन पर एक बार देखिए कि वहां पर आखिर हुआ क्या। तेज बहाव था, युवक को लगा कि वो बाइक के साथ इसे आसानी से पार कर सकता है और उसने ये करने की ठान ली, लेकिन उससे संघर्ष करते नहीं बना। पानी का बहाव बहुत तेज था, ये युवक उससे नहीं लड़ पाया और पानी में बहने लगा बाइक के साथ। वो तो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए उसे बचाने की ठानी और किसी तरह कड़ी मशक्कत कर इस युवक को भी बाहर निकाला और बाइक को भी बह जाने से बचा लिया। ये तस्वीरें अपने आप में एक सीख है। देखिए मत लड़िए दुर्घटना से, देर भली इंतजार कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है कि नदी नाले उफान पर हैं और आप कहीं पर जाना चाहते हैं, हो सकता है आपका वहां पर जाना बहुत जरूरी हो, लेकिन जान जोखिम में डाल इस तरह सफर न करें। और सिरोही में भी बारिश का दौर जारी है, माउंट आबू में 120 mm, शिवगंज में 70 mm, आबू रोड पिंडवाड़ा में 64 mm, सिरोही में 52, रेवदर में 34 mm बारिश दर्ज की गई है। रात भर बारिश हुई और इस वजह से 3 बांध ओवरफ्लो है, पिंडवाड़ा का भूला बांध, वास शिवगंज का गोडाना बांध ओवरफ्लो है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पानी का बहाव देखिए, वेग देखिए, तेजी देखिए बहते पानी की।
और तस्वीरों की कड़ी में अब आपको दिखाते हैं बारा की तस्वीरें। बीते दो दिन से बारिश चल रही है, आज सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और बरसे भी जमकर बरसे। तेज बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। शहर के जो मुख्य बाजार हैं, प्रताप चौक, स्टेशन रोड, नगर परिषद कार्यालय, धर्मशाला, हर जगह जल जमाव। जिले में तेज बारिश से नदी नालों में पानी की भरपूर आवक है, इसके चलते कई गांव का आपस में संपर्क कट गया है। और साथ ही प्रतापगढ़, यहां बीते एक सप्ताह से लगातार बरसात का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, कई स्थानों पर आवागमन बाधित हो गया है। बीते 24 घंटों में पीपल खूट से में सर्वाधिक 102 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। जाखम बांध का जलस्तर 29 मीटर तक जा पहुंचा है, कई बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। और उदयपुर के भुताला गांव में देर रात लोगों में अफरा तफरी रही, दहशत फैल गई। रिहायशी बस्ती के पास मगरमच्छ आ गया। लोगों ने ये खबर गांव में लोगों को दी, बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। हालांकि हर कोई डरा हुआ था, इसलिए उदयपुर में सूचना दी गई, रेस्क्यू टीम को बुलाया गया जिसने मगरमच्छ को रेस्क्यू कर दोबारा तालाब में छोड़ा। मगरमच्छ के रिहायशी बस्ती के बीच सड़क पर आने की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की भी। और इधर रिकॉर्ड बारिश के बाद श्रीगंगानगर की सड़कें बदहाल हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की वजह से आम लोग, वाहन चालक परेशान हैं। स्थानीय प्रशासन ने सड़कों पर रेता और गिट्टियां डलवा दी हैं, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिली है। मुख्य बाजार स्वामी दयानंद मार्ग का जायजा लिया सहयोगी अशोक कुमार शर्मा ने। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की मेन सड़क है और मेन सड़क पर आप ये देखिए क्या हाल है इस मेन सड़क का। ये स्वामी दयानंद सरस्वती मार्ग से जाने वाली सड़क है जो सीधी यहाँ से सदर बाजार की ओर निकलती है और इस सदर बाजार की मुख्य सड़क है जहाँ लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर मौजूद होते हैं। निश्चित तौर पर श्री गंगानगर के व्यापारी तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं वो भी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और यहाँ के स्थानीय वासियों, व्यापारियों के साथ साथ वाहन चालकों को भी राहत दें। अशोक शर्मा, न्यूज 18, श्री गंगानगर। देखिए, भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ एक घर में बुजुर्ग महिला का शव मिला, पास में ही उसका पति भी था बेहोश, घायल अवस्था में। फिलहाल पति को अस्पताल ले जाया गया है जहां पर उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में यह घटना सामने आई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में एक घर में एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, साथ ही घायल अवस्था में, बेहोशी की हालत में उसका पति भी घर में मिला है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और जयपुर में एक युवक की हत्या की खबर है। दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर लहूलुहान और क्षत विक्षत हालत में यह शव मिला। बुकिंग काउंटर के पास युवक का शव मिला, जैसे ही सूचना पुलिस को दी, शिप्रापथ और जीआरपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। युवक की शिनाख्त कर ली गई है। अब ये किसी हादसे का शिकार बना या ये हत्या का ही मामला है, फिलहाल दोनों ही बिंदुओं पर जांच चल रही है। एफएसएल को सूचना दी गई, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटा रही है। साथ ही आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरे और उनमें रिकॉर्ड हुई फुटेजेस को पुलिस खंगाल रही है। अलवर मॉब लिंचिंग मामले में अपडेट सुन लीजिए। आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया है। रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर यह जाम लगाया है डीएसपी रामगढ़ कमल मीणा, लोगों को इस दौरान धमकाते भी दिखे। डीएसपी से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण उलझ गए। लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हिंदूवादी संगठन भी मौके पर है। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रेम राजावत सड़क पर बैठ गए हैं, तो यातायात बाधित कर दिया गया है।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजेंद्र से। राजेंद्र, क्या स्थिति है मौके पर? जो इतलाई स्थिति है वो ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण स्थिति नहीं है, तनाव की स्थिति है। जो कस्बा है उसको गोविंदगढ़ से रामगढ़ को जाने वाला, गोविंदगढ़ से सीकरी को जाने वाले जो रास्ते हैं उनको जाम कर दिया है। परिजन और आक्रोशित भीड़ का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हालांकि पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, पुलिस सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि मारपीट के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक जो आक्रोशित परिजन है उनका कहना है कि उनकी जो तीन मांगे हैं उनमें से मृतक परिजनों के जो आश्रित है, गरीब परिवार है, उनकी सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए का मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी, इन तीन मांगों को लेकर के परिजनों के द्वारा मांग की जा रही है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं लोगों का कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस मारपीट की घटना हुई थी तब उसको अस्पताल में घायल को पहुंचाया गया था, तब वो जो मारपीट करने वाले लोग थे वो मौके पे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस बात के लेकर पुलिस के जो कार्य अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। ये जो तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, DSP रामगढ़ कमल मीणा लोगों को धमकाते दिखे, क्या धमकी दी उन्होंने और क्यों इस तरह का बर्ताव? लोगों के द्वारा उनसे कहा गया कि जब 14 अगस्त को ये घटना हुई थी तो मौके पर जब पुलिस गई थी तो आरोपी वहां पर जो पिटाई करने वाले लोग वहां मौजूद थे, ट्रैक्टर को जब्त करके पुलिस लेकर के आई थी, तो उन आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो उन दोषी पुलिस कर्मी जो मौजूद थे उनको पकड़ के लेकर आए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सड़क पर जाम लगाएंगे और आंदोलन करेंगे। तो इस बात को लेकर के आक्रोशित हो गए DSP। उन्होंने लोगों को कहा भी कि जो लोगों ने मारपीट किया उनको हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन जब लोगों ने सड़क पर जाम लगाने की धमकी दी तो DSP जो है उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क पर जाम लगाओगे तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएंगे और उन्हें मुकदमे दर्ज करे जाएंगे। बराबर है, मतलब जिन्होंने क्राइम किया है जिसकी वजह से जिस एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है उनमें से एक फिलहाल गिरफ्तार नहीं है, या है भी तो वो इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है, लेकिन जो इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, अलवर पुलिस का जो रवैया है वो लगातार इस तरीके का सामने आता है। पूर्व में भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रहे हैं। एक मूक बधिर बालिका का जो मामला था वो इसका पूरा उदाहरण है कि उस पूरे मामले में घटनाक्रम में खुद SP ने इसे सेक्सुअल असोल्ट करार दिया था और उसके बाद पुलिस ने किस तरीके से टर्न लिया और मीडिया से बातचीत करना भी बंद कर दिया। और इस पूरे मामले में भी अभी तक पुलिस की ओर से ये जो पूरे घटनाक्रम में हुआ है, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या जो है मामला है, अभी तक पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई है। जो लोग संतुष्ट नहीं हो पाए हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को संतुष्ट किए बिना ये आंदोलन है वो किस तरीके से शांत होगा, ये बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर जालौर से है, इंद्र मेघवाल मौत मामले में बड़ा अपडेट, विधायक गोलमा देवी सुराणा गांव पहुंची। देखिए, गोलमा देवी सुराणा गांव पहुंची और परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। गोलमा देवी का कहना है कि उनके पति किरोड़ीलाल मीणा भी यहां आना चाहते थे लेकिन उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया, उन्हें यहां आने नहीं दिया जा रहा। मौत को मामले को लेकर पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर सियासी उछाल आ चुका है, इसको लेकर आज तमाम जो दिग्गज है वो यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा, वो उनका पहुंचने का कार्यक्रम था लेकिन उनकी पत्नी है गोलमा देवी पूर्व विधायक, वो यहाँ पर पहुंची और उन्होंने साफ तौर से आरोप लगाया है कि उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया गया, उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है, किस तरीके का जो खुद आने का था सांसद साहब का, क्या हुआ, किसने रोका? पुलिस वाले ने रोक लिया रास्ता में, पुलिस वाले ने आवे नहीं दिया। गोलमा जी को रातारूत फोन करया साहब ने, तो रातारूत और गाड़ी से मंगवाई, जब गोलमा जी आई है तो वे उदयपुर में जितना 50 लाख रुपया दिए, जिसे 50 लाख रुपया होना चाहिए और ये एक बच्चा को नौकरी होनी चाहिए और नहीं दिए,
तो कहा के धरना दूंगी और ये ऐसी घटना होंगी, ऐसे घटना करेंगे बढ़ के बैठ जाते हैं सरकार में, रही हूँ मैं तो मंत्री भी रही हूँ, सरकार ने सुनेगी तो धरना बैठूंगी। देखो ये किरोल जी खुद आना चाह रहे थे, कब रोका और उनका कार्यक्रम तो फिक्स था आने का? आवे फिक्स था, पर आवे नहीं दिया पुलिस ने, रात में रोक लिया, आवा ही नहीं दिया, पेट भाग का घर पे क्या, हम तो गरीब की सुनते हैं सबकी। देखो ये ने गरीब की जाओ तो जाई दुनिया तो देखो, ये न्याय बन बन के एमएलए बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, भ्रष्टाचार मचा रखे हैं सब ने, देखो ऐसा काम तो सुधारते नहीं है कुछ। गुलमन जी, जिस तरीके से जो है राजस्थान सरकार से इन लोगों की परिजनों की मांग है, जो आर्थिक सहायता और जो नौकरी की, अगर वो उन तरीके की सहमति नहीं बनती है तो उसको लेकर किस तरीके के आगे की रणनीति तय की जाएगी? मैं तय करी जाएगी, मैं धरना दूंगी, ये मैं बैठूंगी, खुद बैठूंगी, दुआ का छोड़ूंगी, ये जब हटूंगी पहले सहायता मिल जाएगी, जब हटूंगी सरकार पे से, ये मैं भी सरकार में मंत्री, गहलोत सरकार में रही पहले मंत्री। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। चलिए बढ़ते आगे, टोंक के मालपुरा से खबर है, तेज रफ्तार वैन और बाइक में भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि भैंस को बचाने के चक्कर में, भैंस को बचाने के दौरान ये दोनों आपस में भिड़ गए, हादसे में 6 लोग घायल हुए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है, फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। दुदुछान स्टेट हाईवे पर बालापुरा मोड़ पर ये हादसा हुआ है। देखिए दुर्घटना स्थल के कुछ फोटोग्राफ्स हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, देखिए वैन पूरी तरह पलट गई, बाइक से वैन की भिड़ंत हुई थी, भैंस को बचाने के दौरान दोनों आपस में टकरा गए। हालांकि दोनों ही तरफ से जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बचने की कोशिशें हुई और इसी प्रयास में ये वैन पूरी तरह से पलट गई। वहीं बाइक की जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं आगे का जो टायर है वो पूरी तरह से निकल चुका है, इसका मतलब है टक्कर तो भीषण थी ही थी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, क्या जानकारी है? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोंक के मालपुरा में तेज रफ्तार वैन और बाइक की भिड़ंत हुई है। जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वैन उल्टी हो गई है और बाइक जो है उसका आगे का टायर पूरी तरह से टूट गया है। भीषण इस टक्कर में 6 लोग घायल हुए हैं, घायलों को मालपुरा अस्पताल में पहुंचाया गया है, इलाज उनका चल रहा है। पचेवर पुलिस ने घायलों को पहुंचाया है और बताया जा रहा है कि भैंस को बचाने के दौरान इन दोनों में टक्कर हुई थी। दुदुछान स्टेट हाईवे है, बालापुरा मोड़ के पास में यह हादसा हुआ बताया जा रहा है। हाँ, लेकिन हादसे की एग्जैक्ट वजह अब क्लियर हो गई है? हाँ, तेज रफ्तार दोनों आमने सामने आ रहे थे और जिस तरह से भैंस को बचाने की बात आ रही तो कहीं ना कहीं बैलेंस बिगड़ा और उसी हिसाब से दोनों की टक्कर हुई। टक्कर के बाद में इस तरह की जो फोटो सामने आई है यानी तस्वीरें, उससे यही वजह आ रही है सामने टक्कर की। शुक्रिया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बाड़मेर जिले के कनोड़ा गांव की। चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर चुरा लिए। पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने मौका मुआयना किया। बीती रात करीब 1 बजे चोर घर में घुसे, कमरों के ताले तोड़ अलमारी में रखी अटैची और सोने के आभूषण ले गए। पुलिस जांच कर रही है। जी गांव कनोड़ा जी, रात को मतलब 12 बजे के बाद में कोई चोर आया जी, और मेरे हम 4 भाइयों का गहना था जी, वो सब चोरी करके लेके गए। लॉक वगैरह था कुछ? लॉक ताला दिया हुआ था जी। आप सोए हुए थे उस टाइम? तोड़ दिया जी। लेकिन सुने कुछ दिया नहीं। बात चुरू के फैन सर्कल रोड की। 19 जनवरी को टाइल और सैनिटरी शोरूम में हुई लूट के मामले में पुलिस ने संपत नेहरा गैंग के 2 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है। दोनों मुकेश और श्रवण गुलपुरा को डीएसटी टीम ने हरियाणा राज्य से पकड़ा और कोतवाली पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। मालिक पर संपत्ति पर पिस्तौल बांधकर 50 लाख की जो फिरौती मांगी गई थी, उस मामले में संपत नेहरा के गुटों को श्रीमंत्री सदस्य महोदय द्वारा गठित टीम द्वारा दस्तयाब किया गया। सर्वन गुलपुरा मुकेश इनसे अनुसंधान कर। पाली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना मकरानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने मकरानी को जेल भेजा।
शहर में लाखोटिया के पास स्थित बहुचर्चित जमीन के अवैध फर्जी दस्तावेज बनाकर अपना कब्जा बता रहा था, जिसका ओम लोह उद्योग के मालिक ओम प्रकाश गर्ग ने नवंबर 2021 में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। सादुलपुर के लंबोरपड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने ताला जड़ प्रदर्शन किया। लोगों ने प्रधानाध्यापक सुमित्रा कसवा से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों के तबादले की मांग की। विद्यालय के छात्र भी धरने पर बैठे नारेबाजी की। जब तक मैडम को नहीं हटाया जाएगा हम धरना ही दे रखेंगे। इसी बीच बीच में एक बात और निकल के आई है कि जिन टीचरों का परीक्षा परिणाम अच्छा नहीं है उनको भी हटा दिया जाए, ये भी हमारी मांग है। ग्राम पंचायत लंबोरपड़ी में समस्त ग्रामवासी धरने पर बैठे हैं। साहब तालाबंदी कर दी गई है, 13 तारीख को हमने चेतावनी दे दी थी और आज फिर से हम धरने पर बैठे हैं। मेन प्रिंसिपल और उसके साथ स्टाफ आपस में इनकी बनती नहीं है, दुर्व्यवहार बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ में गाली गलौज की बातें भी आ जाती हैं। जिन मतलब टीचरों का रिजल्ट खराब है उन टीचरों को भी साथ में यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अब हम स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं, जब तक प्रिंसिपल मैम का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। प्रिंसिपल मैम के अभद्र व्यवहार के कारण पूरे स्कूल तंग आ चुका, उनके ट्रांसफर के लिए हम यहाँ धरना लेकर बैठे। मैं प्रिंसिपल मैम के बदले चाहिए किसी भी हाल में। प्रतापगढ़ के संतोषपुरिया गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बाहर ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला चढ़ा। विद्यालय भवन लगभग 50 वर्ष पुराना है, जर्जर है, स्कूल की छत क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके चलते मामूली बारिश में भी स्कूल के कमरों में पानी भर जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से स्थानीय जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग से विद्यालय के जीर्णोद्धार की मांग की, लेकिन उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई। एक मतलब कि सभी गांव वाले ने आके सबके और अधिकारी कुछ अधिकारी आए भी हैं, उन्होंने देखा भी है। कंडीशन ये है कि मतलब बच्चे बिठाए तो खतरा मोल लेना है, क्योंकि घटना हो सकती है ऐसी संभावना है। समस्या क्या हो रही है यहाँ पर स्कूल में? पूरी तरह से स्कूल जर्जर कर रहा है, बिल्डिंग के अंदर मतलब टेढ़े चलने शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के चंदनवाड़ी इलाके में ITBP की बस हादसे का शिकार हुई है। सूत्रों के मुताबिक बस में 39 लोग सवार थे, इनमें ITBP के 37 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। हादसे में कई जवानों की मौत की भी आशंका है। देखिए ये तस्वीरें हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दुर्घटना स्थल की और रेस्क्यू ऑपरेशन की। पहलगाम का चंदनवाड़ी इलाका जहां पर ITBP की ये बस हादसे का शिकार हुई है। 39 लोग बस में सवार थे, इनमें ITBP के 37 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान थे। बस चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी, अभी अपडेट्स का इंतजार है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ जवानों ने अपनी जान गंवाई है और कई घायल हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों, पेट सफा हर रोग के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त को लेकर खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में ड्रोन हमले का अलर्ट जारी किया है। ड्रोन हमले की जानकारी मिलने के बाद लाल किले की सुरक्षा में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की हवा देशभक्ति से भरी है, दिल्ली तिरंगों का शहर बन गया है, भारत को नंबर वन बनाने का संकल्प लेना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि दो राष्ट्र के सिद्धांत को सावरकर ने प्रस्तावित किया, उसका समर्थन जिन्ना ने किया, विभाजनकारी तो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि हम अलग अलग दिख सकते हैं, हम अलग अलग चीजें खा सकते हैं, लेकिन अस्तित्व में एकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। बिस्वा ने कहा कि हमने अहिंसा को अपने जीवन का मंत्र बनाने का संकल्प लिया है। रविवार को 347 पुलिसकर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। डीजीपी दिलबाग सिंह के नेतृत्व में सभी जवानों को पदक दिए गए। दिल्ली पुलिस ने पालम इलाके से दो बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से कई पासपोर्ट और बांग्लादेश के मंत्रालयों के 10 नकली स्टाम्प बरामद किए। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की मदद से पाक आईएसआई समर्थित आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। कैनेडा स्थित अर्शद डल्ला और ऑस्ट्रेलिया स्थित गुरजंत सिंह से जुड़े 4 मॉड्यूल सदस्य गिरफ्तार हुए। अवैध हथियार भी इनके पास से जब्त किए गए। राजस्थान पुलिस की इंटेलिजेंस टीम ने भीलवाड़ा और पाली से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के भरतपुर से आरोपी सरफराज को गिरफ्तार किया गया। जालौर के सुराणा में स्कूल संचालक की पिटाई से दलित छात्र की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के आवंटन की घोषणा कर दी है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास गृह, वित्त और योजना, कानून और न्याय, जल संसाधन और लाभ क्षेत्र, विकास, आवास, ऊर्जा का विभाग रहेगा। बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में किसके हाथ कौन सा मंत्रालय आएगा, इसे लेकर अब तेजस्वी यादव के साथ सहमति बन चुकी है। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर निर्माणाधीन डैम से निकाले जा रहे पानी की जानकारी दी। बहुत तेजी से पानी बाहर निकल रहा है, जिसके कारण बांध के टूटने का खतरा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 85 वर्षीय अब्दुल्ला घर पर सेल्फ आइसोलेशन में हैं। इंडियन शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में सुबह 6:45 पर अंतिम सांस ली। वे 62 साल के थे। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उदयपुर के समीप करणपुर गांव के पास कल शाम को नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। अजमेर के देवलिया कला गांव में 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस दौरान एक दर्जन बदमाशों ने धारदार हथियारों और लाठियों से वार किया। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। बारा के किशनगंज कस्बे के पास बजरंगगढ़ रोड पर ट्रोले को साइड देने के दौरान सवारियों से भरी निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि कीचड़ में फंस जाने के कारण बस खाई में जाने से पहले रुक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। शनिवार शाम 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 205.92 मीटर था। ऐसे में गंभीर हालात को देखते हुए संवेदनशील इलाकों से लोगों को तेजी से निकाला जा रहा है। ओडिशा में हीराकुंड बांध के 34 गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का पानी संबलपुर के कई निचले इलाकों में घुस गया, जिसके बाद निचले इलाकों से 1000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,092 नए मामले सामने आए। अभी देश में सक्रिय मामले 116,861 हैं। मिस्र के काहिर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। चीन ताइवान के बीच तनाव जारी है। एक बार फिर से चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किया है। अमेरिकी कांग्रेस के एक और प्रतिनिधि मंडल द्वारा ताइवान का दौरा करने के बाद चीन ने ये सैन्य अभ्यास किया। इससे पहले चीन ने 5 अगस्त को भी युद्ध अभ्यास किया था। चीन दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है, लेकिन एक रिपोर्ट ने पोल खोल दी है। वहीं शी जिनपिंग ने वो आधिकारिक दस्तावेज जारी कर दिया है जो ताइवान के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। चीन बहुत तेजी से दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है। चीन दुनिया को दिखा रहा है कि इसी तेजी से ऑपरेशन होगा। ताइवान को भी डरा रहा है, जापान को भी वार्निंग दे रहा है, लेकिन एक मीटिंग ने आंखें खोल दी हैं। क्या है वो राज जो इस मीटिंग में खुला है, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत तेजी दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है कि चीन की सेना की ताकत क्या है। दुनिया को दिखा रहा है कि इसी तेजी से ऑपरेशन होगा। ताइवान को भी डरा रहा है, जापान को भी वार्निंग दे रहा है। ये है चीन का एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, यानी वो बख्तरबंद गाड़ी जिसके जरिए सैनिकों को युद्ध वाले फ्रंट पर पहुंचाया जाता है। गोलियों की बौछार और बमबारी के बीच ये बख्तरबंद गाड़ी सैनिकों की ढाल बन जाती है। लेकिन इस तरह इस बख्तरबंद गाड़ी को चलाने का मतलब क्या है, उसे गौर से समझिए, क्योंकि इस वीडियो में ही सही लेकिन चीन का जोश बहुत हाई नजर आ रहा है। ये है चीन में हुए इंटरनेशनल आर्मी गेम्स की तस्वीर, जिसमें चीन और कुछ और देशों ने अपनी बख्तरबंद गाड़ी और टैंक चलाने वाली खूबी का प्रदर्शन किया है। लेकिन ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्मी गेम्स या किसी मुकाबले का क्या मतलब, जिसमें अमेरिका और भारत जैसी बड़ी सेनाओं की टीम शामिल नहीं हुई, क्योंकि चीन में हुए इस मुकाबले में खुद चीन के अलावा रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की आर्मी ने हिस्सा लिया। इन्हीं देशों की मिलिट्री टीम चीन आई और अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। चीन के इस शक्ति प्रदर्शन में मैदान तो बहुत बड़ा है, लेकिन फौज के नाम पर कुछ देशों का साथ खुद चीन के लिए भी चौंकाने वाला है। उत्तर पश्चिम चीन में
शिनजियांग के रेतीले मैदान में तेजी दिखाती पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां खूब वाहवाही लूट रही हैं। अपने घर में पहले राउंड की दौड़ लगाकर चीन की बख्तरबंद गाड़ी और उसका क्रू यानी उसे चलाने वाले फौजी पहले नंबर पर आए, दूसरे नंबर पर बेलारूस और तीसरे नंबर पर ईरान रहा। इसमें रूस की इस BMP-3 बख्तरबंद गाड़ी को देखिए, ये इस वक्त यूक्रेन में भी बड़े पैमाने में शामिल की गई है और अब रूस इसका प्रदर्शन चीन में कर रहा है। इन सब के बीच बड़ा सच तो ये है कि 4-5 देशों के मुकाबले में चीन अपनी ताकत साबित करने के साथ ये भी बताना चाहता है कि उसके साथ कितने देश हैं, खासकर ऐसे वक्त जब ताइवान को लेकर चीन को पूरी दुनिया की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इस मुकाबले में इन बख्तरबंद गाड़ियों को कई रुकावटों को पार करना होता है। माइन फील्ड वाले जोन से सुरक्षित निकलना पड़ता है। 9 टारगेट्स पर तय वक्त के अंदर हमला करना होता है। बख्तरबंद गाड़ियों के इस मुकाबले में चीन कहां ठहरता है उसकी बड़ी पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि चीन इसकी तस्वीरें दुनिया तक पहुंचाने में क्यों बेकरार है। दरअसल चीन उन 12 देशों में शामिल है जो जहां ऐसे इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स हो रहे हैं और ऐसे मुकाबलों में 37 देशों से 270 टीम हिस्सा ले रही हैं। लेकिन चीन में आए सिर्फ रूस, बेलारूस, ईरान और वेनेजुएला की सेना की टीम। क्या इसका मतलब है कि चीन अलग थलग पड़ गया है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान को लेकर चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत होना पड़ रहा है? क्या इसका मतलब है कि ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच बंट चुकी दुनिया में चीन का पलड़ा कमजोर साबित हुआ है? चीन में हुए इस मिलिट्री गेम्स में रूस और ईरान का शामिल होना चौंकाने वाली बात नहीं है। रूस और ईरान अमेरिका के विरोधी हैं और यही बात उन्हें चीन के पाले में ले आती है। लेकिन दुनिया के बड़े कैनवास पर क्या हो रहा है? प्रशांत महासागर में क्या चल रहा है? ताइवान के समंदर में तनाव कितना है और जापान से लेकर फिलीपींस तक किसका दबदबा है? इसे लेकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेटो की एंट्री बहुत कुछ कहती है। और इस पर लगातार रिपोर्ट्स छप रही हैं। इन रिपोर्ट्स ने चीन के कान खड़े कर दिए हैं और उसको लगता है कि यूरोप में रूस को घेरने के बाद नेटो अब प्रशांत महासागर और उसके आसपास चीन के खिलाफ भी एक बड़ा जाल बुन रहा है। यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा वॉर जोन इस वक्त ताइवान के आसपास का समंदर है, जहां जंग वाली हलचल बहुत ज्यादा फैली हुई है। ताइवान के आसपास चीन की नौसेना तैनात है और इसे अब युद्ध से पहले की सबसे बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के ताकत वाले प्रदर्शन को लेकर डर बहुत ज्यादा है, ताइवान भी डरा हुआ है, अमेरिका भी परेशान है और जापान में भी दहशत है कि चीन को रोकना क्या अब नामुमकिन है। चीन को लेकर नेटो वाला अलर्ट बहुत पहले से जारी है। 2 महीने पहले जून में स्पेन में हुई नेटो की बैठक में भी बहुत ही खास मुद्दे पर चर्चा हुई थी और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड के साथ दक्षिण कोरिया से चीन को लेकर काफी बातें हुई थी।
इसका बहुत साफ सा मतलब है कि चीन की सेना ताइवान और जापान को लेकर जो जंग का माहौल बना रही है उसमें नेटो अब बहुत साफ साफ दखल देने लगा है। इसी को लेकर चीन ने बहुत बड़ा रिएक्शन दिया था जब 5 अगस्त को चीन के विदेश मंत्रालय ने बहुत बड़ी धमकी दी थी। इसे बहुत गौर से समझिएगा क्योंकि चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका और उसके चेलों से डरता नहीं है। 日方对美方侵犯中国主权的行径选择性的失明，却跳出来对维权者横加指责，公然提侵权者张某，完全是混淆是非、颠倒黑白。在台湾问题上，企图挑衅、滋事，企图以此来迟滞中国的发展壮大，破坏中国的和平统一和崛起的进程呢？这可能是徒劳的。 चीन समझ चुका है कि नेटो अब उसके दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है या फिर नेटो की फौज अब अमेरिका और जापान की आड़ में अपने पैर प्रशांत महासागर में पसार रही है ताकि ताइवान और जापान को लेकर जो दबाव चीन की फौज बना रही है उसे अमेरिका के नेतृत्व में काउंटर किया जा सके। जाहिर है कि शी जिनपिंग को यह महसूस होने लगा है कि ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं रह गया है क्योंकि ना ताइवान अब अकेला ना ही अमेरिका किसी कमजोर गठबंधन के बिना उस पर जवाबी हमले की कार्रवाई करेगा और नेटो इसमें अमेरिका का साथ देने के लिए अब तैयार बैठा हुआ है। स्पेन में हुए अपने 2022 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट सम्मेलन के दौरान नेटो ने चीन को एक सिस्टमैटिक चैलेंज बताया था। नेटो की मीटिंग में चर्चा हुई कि कैसे चीन अब नेटो के लिए भी खतरा बन रहा है, कैसे चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाकर पड़ोसियों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और सबसे बड़ी बात कि चीन और रूस की सेना मिलकर काम कर रही है। वर्ष 2021 में नेटो के सदस्यों की तरफ से 21 वॉरशिप पूर्वी एशिया में भेजे गए थे। मकसद संयुक्त युद्धाभ्यास था लेकिन साथ में चीन के दबदबे का मुकाबला भी करना था जिसके तले उसके पड़ोसी देश दबे जा रहे हैं। What we do need to make sure is that democracies like Taiwan are defended. And yesterday I put out a statement with my fellow G7 foreign ministers about the very difficult situation in Taiwan and concern about the rhetoric that we're hearing from China, the escalatory rhetoric. Of course, we have a very secure control system for exports in the United Kingdom, and we do license exports to Taiwan at the moment, exports that are provided by the private sector. ब्रिटेन की रक्षा मंत्री की बात इसलिए मायने रखती है क्योंकि उनका कैरियर बैटल ग्रुप जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल था उसने एक साल पहले चीन को डरा दिया था जब 2021 में मई से दिसंबर के बीच ब्रिटेन के इस जंगी बेड़े ने यूरोप से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपनी ताकत दिखाई थी। F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से लैस इस जहाज ने चीन में खौफ पैदा कर दिया था और चीन को अपनी नौसेना को हाई अलर्ट पर करना पड़ा। शी जिनपिंग को सबसे ज्यादा डर इस बेड़े में शामिल परमाणु पनडुब्बी से लगा था जो हमेशा न्यूक्लियर बम से लैस रहती है। इस बेड़े में दो बड़े डिस्ट्रॉयर, दो फ्रिगेट और दो सपोर्ट शिप भी शामिल थे। कई वर्षों बाद ब्रिटेन ने अपनी नौसेना की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई थी वो भी चीन की चौखट पर पहुंचकर एक तरह से शी जिनपिंग को वार्निंग देने की तरह था। Working with our allies very closely on this because there are countries like the United States, Japan, who also are extremely concerned about the future of Taiwan. And what we need to do is work collectively. इसका मतलब बहुत साफ है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, ताइवान और जापान अकेले नहीं है। ब्रिटेन जैसी नेवल पावर भी उनके साथ है जो यहाँ सिंगापुर और जापान के साथ भी युद्धाभ्यास करती रही है। फ्रांस भी अपनी नौसेना ताइवान स्ट्रेट तक पहुंचा चुकी है। यही वो इलाका है जहाँ चीन और ताइवान के बीच सबसे ज्यादा तनाव है। लेकिन चीन के सामने अब भी बड़ी मुसीबत अमेरिका का सातवां बेड़ा है
और अगर नेटो के साथ चीन की टक्कर हुई तो अमेरिका का यही बेड़ा पूरे युद्ध का कमांड सेंटर बनकर काम करेगा। चीनी मीडिया प्रचार प्रसार कर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को आधुनिक हथियारों से लैस ताकतवर सेना की तरह दिखाने की कोशिश करती है, जबकि असलियत बिल्कुल विपरीत है। दुनिया भर के लिए बंद देश के दरवाजे के पीछे चीन की सेना का पूरा सच आज आपके सामने होगा। देखते हैं चीन की सेना की हकीकत। जल थल और नभ में शक्ति प्रदर्शन, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होने का दम, डराने धमकाने और दिखावे का खेल, बाहर से अति शक्तिशाली, अंदर से बिल्कुल खोखला। प्रोपेगेंडा वाली ताकत पर दुनिया जीतने का दावा। ये चीन है, अपने प्रोडक्शन वाले हिसाब के माफिक ही सेना का भी निर्माण करने वाला मुल्क। उसकी तथाकथित पावरफुल आर्मी है एक चाइनीज प्रोडक्ट्स की माफिक बिना गारंटी वाली। दुनिया भर की रिपोर्ट्स, मिलिट्री बुक्स और पिछले 50 साल की घटनाएं चीन की सेना के बारे में जो कहती हैं, उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि ताइवान स्ट्रेट के पानी में चीन के लहराते वॉरशिप, ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने वाले चीन के जंगी जहाजों, उसके कमांडर्स और पायलट्स कितने ट्रेंड हैं, उनकी असलियत क्या है, क्योंकि कहा जाता है चीन डराता है लेकिन डरने का नहीं। चीनी मीडिया प्रचार प्रसार कर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को आधुनिक हथियारों से लैस ताकतवर सेना की तरह दिखाने की कोशिश करती है, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत है। दुनिया भर के लिए बंद देश के दरवाजे के पीछे चीन की सेना का पूरा सच आज आपके सामने होगा। लेकिन चीन की सेना से जुड़े पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं पैमानों पर पीएलए का सच सामने आएगा। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक चीन की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 31,34,000 है। इसमें एक्टिव सैनिकों की संख्या 20 लाख है। इसके अलावा रिजर्व सैनिकों की संख्या 5,10,000 है। चीन के पैरामिलिट्री सैनिकों की तादाद 6,24,000 है। मतलब चीन के पास संख्या बल के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना और नौसेना है। इसके अलावा चीनी वायु सेना दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इतनी विशालकाय सेना रखने का चीन का अपना मकसद है, क्योंकि चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों से मिली हुई है, जिनमें से ज्यादातर के साथ उसका सीमा विवाद है। अब जरा चीन के सैनिकों की तैनाती पर गौर कीजिए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 5 प्रमुख अंग है, ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स इसमें शामिल हैं। सुनने में तो ये बहुत बड़ी संगठित सेना लगती है, जो अपने सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग के एक ऑर्डर पर दुनिया हिला देने का दावा करती है। लेकिन सच ये नहीं है। तो सच क्या है ये जानने से पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का बंटवारा देख लीजिए। चीन की सैन्य इकाइयां 5 थिएटर कमांड में बटी हुई है। उत्तरी थिएटर कमांड, सेंट्रल थिएटर कमांड, पूर्वी थिएटर कमांड, इसी कमांड के पास ताइवान अटैक की जिम्मेदारी है। दक्षिणी